कभी किसी को भी अधिकार ये नहीं देता है कि आप किसी की लिंचिंग करें, किसी, ये इसके लिए कानून है, एक जवान से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे इससे जुड़ा हुआ है कि जिस पर हम गर्व करते हैं जी। सारे राजनीतिक दल इसलिए चुप हैं कि ये मामला एक ऐसे धर्म विशेष का है जिस पर वो बोलने से बच रहे हैं। संवेदनशील मामला ये है कि सेना से जुड़ा हुआ है जी। और उसमें जो FIR में है कि 5 लोग हैं जो जवान हैं, 5 जवान हैं, एक धर्म विशेष के हैं जी, एक धर्म विशेष के हैं, और एक आम आदमी पार्टी इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाएगी। लेकिन 40 दिन गुजर जाने के बावजूद चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या BJP हो, RJD हो, JDU हो, क्यों नहीं एक्टिव हो पाई है, क्या बेबसी है? देखिए हमारे नए सांसद संजय सिंह हैं, उन तक भी बात हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल अब ठीक कर रही हैं। तो एक्चुअली मामला संवेदनशील होने के कारण जो है अधिकारियों ने भी अपने ओंठ को सील रखे हैं। इस वक्त मेरे साथ चंद्रभूषण साहब मौजूद हैं और आप बताते चले कि आम आदमी पार्टी के जोनल अधिकारी हैं सर, आप प्रभारी हैं। हालांकि भूषण साहब से एक ही सवाल होगा क्योंकि सीमांचल की धरती पर मैं लगातार सीमांचल को टटोलने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन सीमांचल को मैं दरकिनार करते हुए कुछ वक्त के लिए मैं एक खबर के साथ इंसाफ की मांग लगातार लोगों से कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से शहबाज की लिंचिंग 5 SSB के जवानों द्वारा की गई, उस पर सभी कहीं ना कहीं गुमशुदा है, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के SP, यहाँ के DSP, यहाँ के DM, तमाम लोगों से लगातार बात करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, चाहे BJP के विधायक हो या फिर MP हो, कोई ना कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं आज सवाल आम आदमी पार्टी से करूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं सीमांचल में एक्टिव हो चुकी है। क्या सर, बिहार में सीमांचल में एक्टिव हो चुकी है और इनकी भी जिम्मेदारी भागीदारी बनती है कि इस लिंचिंग के खिलाफ सवाल उठाए। सबसे पहले सवाल यही होगा सर आपसे कि आप ये बताएं कि क्या किसी किताब में, किसी कानून में, किसी संविधान में लिखा है कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और आप एक स्मगलर भी नहीं है, आम जन है, जहां पर कि कोई बैरिकेडिंग नहीं है, जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, और आप जाते आपकी मौत हो जाती है, आपकी लिंचिंग की जाती है। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या SSB के जवान अब लिंचिंग करेंगे? देखिए बिल्कुल नहीं, संविधान कभी किसी को भी अधिकार ये नहीं देता है कि आप किसी की लिंचिंग करें, किसी, ये इसके लिए कानून है, जो भारत में जो कानून व्यवस्था है उसी के तहत ये फैसला होना चाहिए, और ये बिल्कुल ही गलत हुआ है, क्योंकि मामला ये चूँकि ओपन बॉर्डर है, वहाँ पर जी लोगों का आना जाना होता रहता है, और चूँकि वो ईद का वक्त था जी, चूँकि मामला यहाँ एक जवान से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे इससे जुड़ा हुआ है कि जिस पर हम गर्व करते हैं। बिल्कुल, जिसे सुरक्षा, जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, रक्षक आखिर भक्षक क्यों बना, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए सिर्फ। निश्चित तौर पर है कि देखिए अगर आप आर्मी में हैं या पुलिस में हैं, कुछ भी हैं, तो आप संविधान के जो प्रदत्त अधिकार हैं उसी का आप उपयोग करते हुए आप न्याय व्यवस्था जारी रखेंगे। लेकिन जो वहाँ हुआ, क्योंकि वो बॉर्डर पार करता है और वहाँ उसके उस बॉर्डर पर जो जवान होते हैं उन्हें पूछना चाहिए, ठीक है अगर स्मगलर था तो क्या इसके पहले क्या कोई स्मगलिंग किया? जहाँ तक मुझे बताया गया, उसके परिवार ने भी बताया है कि वो दही लेने या कुछ लेने गया था, दही लेने के लिए गया, दही लेने गया था। लेकिन ये स्मगलिंग की बात मैं कर रही हूँ क्योंकि आज BJP के विधायक, सिक्टी विधायक विजय मंडल से मेरी बात होती है फोन कॉल के जरिए, उन्होंने ये बहाना बनाया कि वो स्मगलर था या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो मारा गया। मारा क्यों गया, कौन से कानून, कौन से किताब में लिखा है किसी की हत्या कर दिया? बिल्कुल नहीं, आप हत्या करने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है, उसके तहत आपको संविधान में कानून है, कानून की व्यवस्था है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि चूंकि इस मुद्दे को लेकर के सारे राजनीतिक दल इसलिए चुप हैं कि ये मामला एक ऐसे धर्म विशेष का है जिस पर वो बोलने से बच रहे हैं, और अधिकारी इसलिए बच रहे हैं कि वो जवान का है, चूंकि मनोबल कहीं टूट ना जाए। बात मनोबल का नहीं है, बात है कि क्या इस समाज में आम जनों को या आम लोगों को जीने का अधिकार है या नहीं है। मुख्यमंत्री अब तक घर पे नहीं पहुंचते हैं, इतना बड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है राजनीतिक दबाव है इसलिए खामोशियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि चूंकि एक तो यहाँ जो सीमांचल है बहुत ही गरीब इलाका है, और यहाँ के अधिकतर कम से कम
37% यहाँ के जो पॉपुलेशन है उसमें मजदूरी करने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जगह जाते हैं जी। यहाँ किसी प्रकार के रोजगार के अवसर नहीं है। भ्रष्टाचार का यहाँ ऐसा बोलबाला है कि आप पूछिए नहीं। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। पंजोर आज हम आम लोगों से लड़ रहे हैं, जो बेचारा अपने दो जून की रोटी कमाने के लिए वो बाहर जाता है, क्योंकि पता चला कि वो लेबर बाहर का था और यह रहने वाला यहीं का था, ईद में आया हुआ था जी जी। ये तो बड़ा अजीब सा है कि भाई यहाँ भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है बल्कि यहाँ उसको मौत मिल रही है। लेकिन इतने बड़ा कांड को छुपाने की कोशिश बिहार सरकार क्यों कर रही है? क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, एक वजह क्या है कि ये मामला चूंकि एक संवेदनशील मामला है जी। संवेदनशील मामला ये है कि सेना से जुड़ा हुआ है जी। और उसमें जो FIR में है कि 5 लोग हैं, जो जवान है 5 जवान हैं, एक धर्म विशेष के हैं जी, एक धर्म विशेष के हैं और एक जो धर्म दूसरे धर्म एक धर्म के जिसकी लिंचिंग कह सकते हैं की गई, तो इसलिए लोग जो है उसको बच रहे हैं, हकीकत यही है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी बात है, पार्टी के भी सवाल है कि न्याय सबके साथ होना चाहिए, वो किसी धर्म विशेष के क्यों ना। तो ये सारी चीजें तो हैं। क्या यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि इस खबर को प्रमुखता से बताया जाए और तमाम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन इसे छुपाया जा रहा लगातार? देखिए यहाँ तो आप जान ही रहे हैं, बीजेपी की जो अपनी राजनीति है हिंदू मुसलमान की राजनीति है, और आम आदमी पार्टी उस तरह की राजनीति नहीं करती है। सभी धर्मों में विश्वास है, और इससे बड़ी बात और भी चीज़ है कि वो गरीब है, उसको कम से कम सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए थी, वो भी शायद अभी तक मदद नहीं मिली। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, वहाँ पर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं पहुँचे हैं। हाँ, चूँकि आज वही, अगर वो एक उच्च वर्गीय होता अगर तो संभवतः सभी लोग पहुँचते वहाँ, बातों को बहुत प्रमुखता से उछाला जाता, चूँकि वो गरीब है, दो जून की रोटी कमाने वाला व्यक्ति है, आज उसकी कोई पूछने वाला नहीं है, जो गलत है, और आम आदमी पार्टी इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाएगी। लेकिन 40 दिन गुजर जाने के बावजूद, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, RJD हो, JDU हो, क्यों नहीं एक्टिव हो पाई है? क्या बेबसी है? देखिए, हमारा संगठन तो अभी तो हम लोग बहुत नई पार्टी भी हैं, हमारा संगठन का यहाँ विस्तार हो रहा है। ठीक है। और चूंकि इसी संगठन विस्तार में हम लगे हुए हैं सीमांचल में, और काफी अंडर करंट है, काफी लोग आम आदमी पार्टी जुड़ना चाहते हैं, तो संगठन का भाव में संभव है कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। क्या आप पहुँचेंगे? आम आदमी पार्टी पहुँचेगी वहाँ पर? बिल्कुल 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 जाएंगे, और हम वहाँ इसकी बात को प्रमुखता से हम कहेंगे, और हमारे जो माननीय सांसद संजय सिंह हैं उन तक भी बात हम पहुँचाएंगे। पूरी कोशिश होगी कि इस खबर को सेंटर तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लगातार इस खबर को कवर कर रही हूँ और ग्राउंड पर होकर मैं आई हूँ, लगातार लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक गरीब इंसान की क्या हालत होती, किस तरह से उसकी जान ली जाती है और वर्दीधारी को अलग ड्यूटी दी जाती है और सब कुछ रफा दफा होता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो एक्चुअली मामला संवेदनशील होने के कारण जो है, अधिकारी ने भी अपने ओंठ को सील रखे हैं, जो अच्छा नहीं। कल SP से मैं बात करूंगा, DM से भी बात करूंगा कि भाई कि इस मामले को आप जो लिंचिंग का शिकार हुए हैं, कथित रूप से जो लिंचिंग के शिकार हुए हैं, उनके परिवार को उचित मुआवजा भी मिले और साथ में उचित न्याय मिले। न्याय की उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन लोकतंत्र में हत्या तंत्र ज्यादा है। अब ये तो देखिए, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, अब उनको देखना चाहिए जिनका यहाँ पर शासन है, आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल, गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाते हैं जी। बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ बिहार शरीफ कांड भी वो देखने नहीं गए, उनके घर में हुआ, उसके बावजूद बिहार से मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन अब मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनता कैसे मर रही है उस पर ध्यान नहीं है सरकार की। यही तो दिक्कत है कि आज देश में जो हिंदू मुसलमान का जो दौर चल रहा है, तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हमें देखना होगा कि भाई जो आम आदमी है वो पीड़ित ना हो और उसकी रक्षा कैसे हो, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। आम आदमी पार्टी करेगी कोशिश? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी तो इसी कोशिश में लगी हुई है कि शिक्षा रोजगार और जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, यही तो चाहती है कि पार्टी यहीं पर रोजगार लोगों को मिले, तो क्यों हरियाणा और पंजाब क्यों जाए?
जबकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक एक पंचायत में 1.5 से 2 करोड़ रुपया यहाँ पर सरकार दे रही है, उसका अच्छा विकास हो सकता है, यहीं पर उसके रोजगार लग सकते हैं, लेकिन सब सारा भ्रष्टाचार, उसमें आधा से अधिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। बिल्कुल, सीमांचल का मुद्दा अररिया का बिल्कुल अलग है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं 30 दिनों से देख रही हूँ। सर आप ये बताएं, सिक्टी में बीजेपी के विधायक, अररिया में बीजेपी के सांसद, इसके बावजूद कुछ क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूं, उनको सिर्फ मतलब है कि कहाँ अपनी योजनाओं में कहाँ कमीशनबाजी कहाँ मिल सकती है, तो इसलिए उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक वेब में जीत जाते हैं। इसके अलावा उनको विकास से, अगर विकास से मतलब होता दो दो बार सांसद यहाँ रहे वो, तो आज एक गंगा जमुनी, यहाँ की तहजीब गंगा जमुनी तहजीब है, कोई आज तक दंगे यहाँ नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ कोई विकास का काम ही नहीं कर रहे हैं वो, सिर्फ सीधे सीधे भ्रष्टाचार की फसल उगाई जा रही है। आज शहबाज लिंचिंग मामले पर मुख्यमंत्री से क्या सवाल करेंगे आम आदमी पार्टी के नाते? देखिए, मैं मुख्यमंत्री से जरूर कहूँगा कि आप यहाँ करीब अब 20 साल आपके होने जा रहे हैं, तो किसी भी वर्ग विशेष के हों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आप उनके प्रति न्याय कीजिए, उनके परिवार के प्रति न्याय कीजिए, चाहे वो किसी भी पद या ओहदा या किसी भी वो सुरक्षा दस्ता ही क्यों ना हो, क्योंकि किसी को भी लोकतंत्र में या इस संविधान के तहत हत्या करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है, नहीं देता है। चलिए, चंद्रभूषण साहब ने अपनी बात रख दी, लेकिन आम आदमी पार्टी अब देखती हुई कब पहुंचती है, तमाम लोगों से मैं इसी तरह से सवाल पूछे ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इस खबर को जिंदा किया जा सकता है, क्या इंसाफ मिल सकता है। इस तरह से वर्दीधारी होकर SSB के जवान पर यह गंभीर आरोप है कि उसने हत्या की है, FIR में 5 SSB के जवान के नाम है, एक समुदाय के हैं, एक संप्रदाय के हैं, लेकिन इस वजह से क्या वो हिंदू और मुसलमान होगा? संवेदनशील, जिस तरह से सर बता रहे हैं, क्या संवेदनशील मुद्दा है? इस वजह से पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं शहबाज के दफन के बाद खबर को भी दफन कर दिया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन मैं इस खबर को लगातार कोशिश कर रही हूं ताकि सब तक पहुंचे और इंसाफ मिले। और मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से शहबाज की लिंचिंग की गई है वो बहुत ही दर्दनाक लिंचिंग है, और शहबाज को लेकर किसी की आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है। विधायक का नाम लिया, सांसद का नाम लिया, मैंने सभी का नाम लगातार, SP DSP DM प्रशासन का नाम ले रही हूं और सरकार का भी ले रही हूं नाम, गठबंधन सरकार जो कि को लेकर एक साथ चलने के दावे करती सरकार, नीतीश कुमार आज तक झांकने तक नहीं आए। आखिर क्या वजह है, क्या वाकई अंदर खाने से बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार है? मैं इसलिए बार बार ये सवाल और चोट कर रही हूं क्योंकि जब भी ऐसा मुद्दा आया मेरे सामने, बिहार शरीफ कांड आया, वहां भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे और न ही शहबाज कांड में अब तक पहुंचे हैं। शहबाज की लिंचिंग क्यों की गई, इस सवाल का जवाब मैं लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, देखती हूं कि सवाल का जवाब किसके पास है और लिंचिंग क्यों की गई और कब तक SSB जवान गिरफ्तार होंगे। ये अहम सवाल मेरे साथ हमेशा बना रहेगा जब तक कि इसका जवाब सरकार से नहीं मिल जाए।